हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन पे, जहां पर हम देते हैं आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अपने सपने में छोटे बच्चों को देखते हैं तो उसको देखने का क्या अर्थ होता है। फ्रेंड्स, सपने में बच्चों को देखना काफ़ी शुभ स्वप्न माना गया है, ये काफ़ी अच्छा होता है। कोई भी व्यक्ति यदि सपने में बच्चे देखता है तो यह उसके लिए बेहद ही सौभाग्य की बात होती है। यह उसके लिए उन्नति के साथ साथ सफलता का भी प्रतीक माना गया है। फ्रेंड्स, यह इस स्थिति पर भी निर्भर करता है कि आपने बच्चों को किस स्थिति में देखा है। बहुत सारे बच्चों को एक साथ देखना, कुछ बच्चे देखना या एक छोटा बच्चा देखना, रोता हुआ बच्चा देखना, इन सभी के अलग अलग मतलब होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यदि कोई व्यक्ति सपने में जुड़वा बच्चों को एक साथ देखता है तो उसको देखने का क्या अर्थ होता है। यदि किसी अविवाहित को इस प्रकार का कोई सपना आता है तो यह उसके लिए बेहद ही शुभ स्वप्न माना गया है। इस स्वप्न के अनुसार अगर किसी अविवाहित व्यक्ति को इस प्रकार का सपना दिखाई देता है तो जल्द ही उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आने वाला है या कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ यदि कोई शादीशुदा कपल या फिर कोई शादीशुदा महिला इस तरीके का सपना देखती है और उनके कोई बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस सपने से वह ये अनुमान लगा सकते हैं कि जल्द ही उन्हें माँ बनने की खुशी प्राप्त होने वाली है या फिर उस दंपत्ति को जल्द ही संतान प्राप्ति हो सकती है। इसका यह भी एक मतलब होता है कि जो उनकी संतान होगी वो काफ़ी तेजस्वी होगी और काफ़ी स्वस्थ जन्म लेगी। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में जुड़वा बच्चों को देखता है तो यह उनके लिए काफ़ी शुभ स्वप्न माना गया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी मैं इसी तरह के और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें।